की सरकार। अरविंद सावंत। माननीय चेयरमैन सर प्लीज, बहुत बहुत धन्यवाद। पहला बिल है, ये पहली बार है, बिल भी पहला है, और एक मैं चित्र देख रहा हूँ पूरे सदन में, कुछ खामियां जरूर नजर में ला रहे हैं, लेकिन सभी का एक ही मांग है, सभी की, इस आरक्षण बिल को पारित किया जाए। अब इस मांग को लेकर मैं जब पीछे थोड़ा दिखता हूँ तो इतिहास में हमारे महाराष्ट्र से शुरू करेंगे तो जीजा माता जी है, रानी लक्ष्मी बाई है, तारा रानी है, ये सब कर्तृत्ववान महिलाएं जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को जन्म दिया, वो जीजा माता हमारी माँ थी। उन्होंने इस देश को स्वराज्य की भूमिका बताई और स्वराज्य छत्रपति शिवाजी महाराज ने लाया, जीजा माता के आशीर्वाद से लाया। संत जनाबाई आई, बहिणाबाई आई, उसी तरह से रिफॉर्मर्स आए। शाहू फुले अंबेडकर जी का नाम जब लेते हैं तो सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं के लिए शिक्षा के दरवाजे खोले। अब वो सारी महाराष्ट्र में क्रांति होती रही। आज भी मैं इतना ही कहूंगा, जब स्वतंत्रता की लड़ाई हुई, चले जाओ की भूमिका हुई, तो मुंबई में अगस्त क्रांति मैदान में चले जाओ ये नारा लगाया गया, महात्मा गांधी जी को अरेस्ट किया गया। अब कौन लड़ेगा उसका, सारे नेता को उनको पकड़ा था। एक महिला खड़ी हुई, उसका नाम था अरुणा असफ अली, हाथ में तिरंगा लिया, भारत माता की जय बोली, लोग उसके पीछे चलते रहे। और ये आंदोलन, इसीलिए महिलाएं, इस देश ने महिलाओं को देखा है, परखा है, अनुभव किया है, हमने अपने परिवार में अनुभव किया है कि हमारी माँ हो, हमारी बहन हो, वो कितनी तरह से अपना परिवार चलाती है। और आज भी देश में इस तरह की महिलाओं का आरक्षण लाने के समय में बहुत सारी इतिहास की बात की लोगों ने, कब कब बिल आया था, कैसे आया था, देवेगौड़ा के समय में कैसे आया, राजीव गांधी समय के समय में कैसे आया। सबसे पहले 1931 में ब्रिटिश राज में सरोजिनी नायडू जी ने पत्र लिखा था कि महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए, ये ब्रिटिशों को लिखने वाली सरोजिनी नायडू थी। और उनके बाद में ये सारे जो प्रवास अभी जो भी सभी लोगों ने बताए हैं वो आपने देखे। मैं इतना ही कहूंगा सर, सुरक्षा या आरक्षण, महिलाओं की सुरक्षा की बात महत्वपूर्ण है। आज हमारे देश में मणिपुर का हादसा हुआ, महिला पहलवान बैठी, तब जाकर कोई रोया नहीं। तो ये भी सदमा है हमारे दिल में कि किस तरह से लोगों महिलाओं पे अत्याचार होते रहे, और एक तरफ हम आरक्षण दे रहे, दूसरी तरफ अत्याचार हो रहे। आंसू भी नहीं बहा, गुस्सा भी नहीं जतन गया, कुछ प्रतिक्रिया नहीं आई। और फिर लगता है कि भाई आरक्षण दे तो रहे हूं। आज भी सदन में 131 लोग शेड्यूल का शेड्यूल के आरक्षित है, अब 33% और है, उसमें ओबीसी एससी एसटी सारी बातें। हमारे वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे कहते थे महिलाओं को सुरक्षा पहले प्रदान करो। उन्होंने कहा था पर्स लेके घूमती हो ना तो छोटा चाकू रखो या तो मिर्ची की पाउडर रखो। जब भी सुरक्षा की बात है, एक मिनट में खत्म करता हूँ, तो जब भी सुरक्षा की बात है तो उसकी सुरक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण लगती है मुझे। इस आरक्षण से बहुत सारी महिलाओं को अवसर मिलेगा, लेकिन रोटेशन में अपने को सोचना पड़ेगा। वो रोटेशन जब आएगा तो जो महिला इतना अच्छा काम अगर करके आई है 5 बरस और रोटेशन में अगली बरस क्या करेगी, उधर ही बैठेगी या नहीं लड़ेगी? अगर वो लड़ेगी, पार्टी दे देगी, तो आरक्षण 33% से आगे जाने वाला है, इतना ध्यान में रखना, जरूर जाएगा। रेल के गाड़ी में जैसे महिलाओं के आरक्षण के डिब्बे में पुरुष नहीं जा सकता, लेकिन पुरुषों के डिब्बे में महिला जा सकती है, वो आगे होने वाला है, इतना ध्यान में रखना। और मैं इतना ही बस इस बिल का स्वागत करता हूँ। जल्दी से जल्दी ये जो ओबीसी एससी एसटी, और जो पहली बात है, ये बिल पूरा राजनीतिक है, चुनाव सामने रखकर लाया हुआ है। जितनी असफलता इस सरकार की, जो महत्वपूर्ण विषय किसान हो, बेरोजगार हो, महिलाओं के अत्याचार हो, ये सारे विषयों पर, महंगाई हो, जो असफलता आई है उसको ढांकने का एक नया प्रयास उन्होंने शुरू किया है। फिर भी प्रयास तो कर रहे हैं, इसलिए स्वागत करता हूँ, धन्यवाद।